स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के तहत शनिवार से तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के सभी 70 वार्डों में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर 5 कर्मचारी प्रति वार्ड मोहल्ला सभाओं का आयोजन शुरू किया गया। ये कार्यक्रम अगले 2 सप्ताह तक नियमित चलेगा। विभिन्न स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, उनमें श्यामा गर्ल्स इंटर कॉलेज महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1, कन्या प्राथमिक पाठशाला सेमरा डिबिया प्राथमिक विद्यालय जवाहर चौक तथा नगहा रेलवे स्टेशन पर मोहल्ला सभाओं का आयोजन कर मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले दिखाकर वीवीपैट और ईवीएम मशीन का डेमो वेटिंग कराकर तथा मतदान जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम को स्थानीय तौर पर बहुत सराहा गया और प्रत्येक मोहल्ला सभाओं में 50 से 100 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं उपस्थित थीं। लोगों ने बताया कि इससे निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत अंतर पड़ेगा और लोग जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। तहसीलदार सदर संजीव कुमार दीक्षित सेमरा प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित थे तथा अन्य स्थानों पर कानूनगो प्रधुमन सिंह, वीर बहादुर सिंह, घनश्याम शुक्ला तथा रविन्द्र नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में मोहल्ला सभा में उपस्थित सभी को शपथ दिलाया गया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जात समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद।